सुप्रभात कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और सबसे पहले दीपावली पर्व की आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। जी हाँ, इस कार्यक्रम में 8 से लेकर 9 बजे तक हम रहेंगे आपके साथ और पूरा एक घंटे बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें होंगी, बहुत सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे विषय विशेषज्ञ हमारे बीच उपस्थित रहेंगे, आपके फ़ोन कॉल्स पर सवाल रहेंगे और हमारे विशेषज्ञ के जवाब रहेंगे। जी हाँ, तो नमस्कार एमपी को आगे बढ़ाते हैं हमारे कार्यक्रम को और सबसे पहले हम बताते हैं आपको हमारा आज का पंचांग। तो आज है विक्रम संवत 2080 की कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी 13 नवंबर 2023 और दिन है सोमवार का। आज दीपावली का दूसरा दिन है। कल सभी ने जमकर माँ लक्ष्मी की आराधना की है और सभी ने सुख समृद्धि की कामना की है। हम भी यही कहेंगे कि माँ लक्ष्मी अपनी कृपा पूरे विश्व पर बनाए रखे और इसी तरह हमारा पूरा विश्व का कल्याण हो और सभी की मनोकामनाएँ पूरी हों। और आइए अब चलते हैं हमारे आज के विचार की तरफ। कहते हैं कि एक विचार आपके पूरे दिन को तरोताज़ा कर देता है, आप में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। तो बढ़ते हैं हमारे आज के विचार की तरफ। हमारा आज का विचार है, मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के भी दरवाजे खोल देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है कि मेहनत अगर की जाए तो भविष्य जो है उज्ज्वल होता ही है, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम पा नहीं सकते हैं और सफलता ज़रूर हमारे कदम चूमेगी। और अब बढ़ते हैं, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि हमारा दिन क्यों खास रहता है और क्या हुआ था आज के दिन। तो आज है 13 नवंबर, जानते हैं आज का इतिहास कि क्यों है आज का दिन बेहद खास। आपको बता दें कि सन 1969 में लंदन में एक अस्पताल में एक महिला ने 5 बच्चों को एक साथ जन्म दिया था। क्वीन कॉलेज अस्पताल में ये जो शताब्दी में पहली बार ऐसा हुआ था, मतलब आप समझ सकते हैं कि 5 बच्चों को जन्म दिया। वहीं अगर बात 1971 की जाए तो अमेरिका के अंतरिक्षयान मैरियर 9 ने मंगल ग्रह का चक्कर लगाया। ये पहला मौका था जब पृथ्वी से भेजे गए किसी यान ने किसी दूसरे ग्रह का चक्कर लगाया। करीब एक महीने बाद वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की साफ तस्वीरें दिखाई दी थी। और वहीं बात अगर 1975 की जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एशिया के चेचक मुक्त होने की घोषणा की थी। और वहीं बात 1985 की जाए तो पूर्वी कोलंबिया में ज्वालामुखी फटने के कारण करीब 23,000 लोगों को हमने खो दिया था। और 2019 की बात में अगर हम आते हैं तो भारतीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश का कार्यकाल सार्वजनिक प्राधिकरण है और ये सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो ये तो था हमारा आज का इतिहास और क्यों है हमारा 13 नवंबर खास, ये हमने आपको बताया। और अब चलते हैं और बढ़ते हैं हमारे नमस्कार एमपी में उस पहलू पर जब हम आपको बताएंगे कि कौन विशेषज्ञ हमारे यहाँ मौजूद हैं और हम किस विषयों पर आज बात करने वाले हैं। जी हाँ, तो हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे हमारा गौरव हमारी विरासत मध्य प्रदेश के संगीत पर। वहीं हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति में त्योहारों की महत्ता पर। आज ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हम आपके सामने रखने वाले हैं और बहुत सारी जिज्ञासाएं जो हैं हम यहाँ उनका समाधान होने वाला है। और फ़ोन नंबर भी आप हमारा नोट कर लीजिए, जैसा कि आप जानते हैं हमारा एसटीडी कोड है 07552660049, ये हमारा नंबर है। तो इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। वहीं टोल फ्री नंबर भी आप हमारा नोट कर लीजिए 1800-233-0040, ये हमारे टोल फ्री नंबर है। तो आप हमें कॉल करेंगे और हमारे विशेषज्ञ जवाब देंगे। और अब बारी है आपको बताने की कि आज हमारे स्टूडियो में यहाँ कौन उपस्थित है। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि पंडित श्री एस एल कंडारा जी जो चीफ प्रोड्यूसर हैं दूरदर्शन से, सेवानिवृत्त हैं भोपाल से, आप यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और आपको बताना चाहेंगे कि आप वरिष्ठ एवं प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं और महान संगीतज्ञ हैं, साथ ही आप आकाशवाणी दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार भी हैं। आपने मुंबई, दिल्ली, नागपुर, बेंगलोर, जयपुर, कलकत्ता आदि कई प्रतिष्ठित समारोह के आपने मंचों की शोभा बढ़ाई है।
और आप आज हमारा सौभाग्य कि आप हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। वहीं हम आपका परिचय करवाना चाहेंगे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर रघुवीर प्रसाद गोस्वामी जी। बहुत बहुत स्वामी आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आप वरिष्ठ संस्कृतविद हैं और कथावाचक भी हैं। तो आज दो महान विभूतियां हमारे इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, हमारा विषय हमारा गौरव हमारी विरासत मध्य प्रदेश का संगीत। और वहीं हम बात करेंगे गोस्वामी जी से भारतीय संस्कृति में त्योहारों की महत्ता। तो चलिए अब देर ना करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कंडारा जी से। बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः आपका कंडारा सर। और जी, जैसा कि सर हमारा विषय है, हमारा विषय के हमारा गौरव हमारी विरासत मध्य प्रदेश का संगीत, इस विषय पर मैं चाहूँगी आप सबसे पहले प्रकाश डालें। अवश्य। एक तो कलाओं का प्रदेश है मध्य प्रदेश, और जैसा सभी जानते हैं कि ये भारतवर्ष का हृदय स्थल है, और सब जानते हैं कि हृदय के क्या कार्य होते हैं। हमारे जो शरीर में जो हृदय के कार्य होते हैं, वही मध्य प्रदेश में कलाओं के प्रति और साहित्य भी उसमें जुड़ गया। साहित्य और कलाएं एक दूसरे के पूरक हैं जी। और प्राचीन काल से मध्य प्रदेश की जो स्थिति रही है वो इसलिए रिच है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ वास्तुकला से लेकर चित्रकारी, संगीत तो है ही। यहाँ संगीत इसलिए है कि बड़े बड़े संगीतज्ञों का यहाँ जन्म हुआ। जिस बात को लेके पूर्वा आप उत्साहित हैं जी, वो है यूनेस्को द्वारा इसे हमारे जो ग्वालियर का जो शहर है जी 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 मध्य प्रदेश का जी, उसको घोषित किए जाना विश्व धरोहर शहर के रूप में। उस चीज को लेके आप मध्य प्रदेश के बारे में पूछ सकते हैं, जान सकते हैं जी। तो सबसे पहला मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्वालियर तो हृदय स्थल रहा है मध्य प्रदेश का, भी ऊपर है वो सरताज कह सकते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल जी। और ग्वालियर इसलिए विख्यात है कि वहाँ पर दो विशेष चीज़ें हुई कि होलकर्स और पेशवा सम्राट रहे, फिर ग्वालियर सबसे प्राचीन परंपरा संगीतज्ञों की, जिसमें स्वामी हरिदास जी जो तानसेन के गुरु थे जी, और तानसेन बेजू बावरा विश्व में प्रसिद्ध हुए जी, लेकिन उनसे उनके जो गुरु हैं स्वामी हरिदास जी वो महान संगीतज्ञों में से एक थे जी। बिल्कुल। और अभी जी हाल ही में ये उपलब्धि जो है प्राप्त हुई है हमारे एग्जैक्टली जी। गोस्वामी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि हमने कहा कि भारतीय संस्कृति में त्योहारों की क्या महत्ता, हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। और सबसे पहले तो दीपावली का पावन पर्व चल रहा है और 5 दिवसीय पर्व हम मना रहे हैं भारत हमारा, इस विषय पर हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। बहुत अच्छी जिज्ञासा आपने उत्पन्न की है पूर्वा जी। देखिए, भारतीय संस्कृति के लिए कहा गया है उत्तरे यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संस्थति। देखिए, भारत समुद्र हिमालय के उत्तर में और दक्षिण समुद्र के दक्षिण में जो स्थित भूभाग है वो सारा भारत कहलाता है, और यहाँ पर रहने वाली जो प्रजा है वो भारती कहलाती है, यहाँ की संतान, और उसके जो रीति रिवाज और परंपराएं हैं वो संस्कृति कहलाती है। तो ऐसा कहा गया है हमारे यहाँ सबसे प्राचीन, विश्व का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद माना जाता है जी। ये वैज्ञानिकों ने, नासा ने, अन्य देशों ने, विविध
वैज्ञानिकों ने इसको भी सिद्ध कर दिया है। सबसे पुरानी जो पुस्तक यदि है, लिखी हुई जो ग्रंथ है, वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद कहता है हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत। यह जो परब्रह्म परमात्मा है जी, यह हिरण्यगर्भ के रूप में, एक पिंड के रूप में सबसे पहले उत्पन्न हुआ और उसने उसमें वर्षों वर्ष वो समुद्र में जी स्थित रहा। और फिर उसने विचार किया, एको हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूँ, कब तक अकेला रहूं और अपने आप को विविध रूपों में अभिव्यक्त करूं, प्रकट करूं, प्रस्तुत करूं। तो ऐसा उल्लेख मिलता है वैदिक साहित्य में, तस्माद वा एतस्माद आकाशा संभूतः, आकाशाद वायु, वायो रग्नि, अग्ने आपः, अधया पृथ्वी, पृथिव्याम औषधया, औषधया अन्नम। कहते सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ जी, आकाश से वायु उत्पन्न की और वायु से अग्नि को उत्पन्न किया परब्रह्म ने, और अग्नि के बाद में जल को प्रकट किया, जो पृथ्वी पर जल, समुद्र के जल को नहीं, पृथ्वी पर जल जी। और पृथ्वी पर फिर जब पृथ्वी हो गई तो औषधियां उत्पन्न की, औषधियों के पश्चात उल्लेख मिलता है कि अन्न उत्पन्न हुआ और आहारेण विवर्धन्ते संसारे सर्व जंतवः, आहार से, भोजन से ही, अन्न से ही संसार में सारे जंतु, सारे प्राणी वृद्धि को प्राप्त होते हैं और उन्नति को प्राप्त करते हैं जी। तो कहते हैं अनादि निधना नित्या वागुत सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी विद्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः। कहते हैं सबसे पहले विधाता ने, ब्रह्मा ने, आदौ माने सबसे पहले जी, और वेद विद्या को उत्पन्न किया। वेद सारी विद्याओं का मूल है जी, सारे ज्ञान का भंडार है। और वेद काहे में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा के दो भेद माने गए हैं, एक लौकिक संस्कृत, एक वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत अर्थात थोड़ी कठिनता प्रधान है, जिसमें थोड़ी काठिन्य है जी। और वो ऋषि मुनियों के द्वारा जो लिखा गया वो, और वेद भी प्रकट हुए हैं, ज्ञान प्रस्फुटित होता है। देखिए जानकारी तो संचित की जाती है लेकिन ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। तो ऐसा जब वेद उत्पन्न हुआ, संस्कृत में प्रकट किया, तो सारा का सारा जो ज्ञान संपदा है, ज्ञान विज्ञान का जो मूल स्रोत है वो वेद है। देखिए हमने अपने यहाँ कहा गया है, और उसी से फिर सारी परंपराएं विकसित हुई। संस्कृत, संस्कृति और संस्कार, ये त्रिपुटी मानी गई है। अच्छा अच्छा जी। संस्कृत से संस्कृति का विकास हुआ और संस्कृति जब विकसित हुई तो संस्कार अपने आप निर्मित हुए। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि भारतीय संस्कृति आद्य संस्कृति है, और वेद का संदर्भ देते हुए मैं फिर कहना चाहूंगा, सा प्रथमा संस्कृत विश्ववारा। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, प्रथम संस्कृति है, आद्य संस्कृति है, इसी को सनातन भी कहते हैं। सनातन का अर्थ ही होता है प्राचीनतम, अर्थात जो प्रकृति के साथ, सृष्टि के साथ जो उत्पन्न हुआ है, सही कहा आपने, वो सनातन कहलाता है। बिल्कुल, भारतीय संस्कृति बिल्कुल बहुत ही प्राचीन संस्कृति है। कंडारा सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे संस्कृति की, वैसे अगर संगीत की बात की जाए तो संगीत भी हमारा की जो प्राचीनता है, विविधता है, वो तो बहुत ही काफ़ी वर्षों पुरानी है, सब कुछ है। लेकिन उसके विषय में बात करेंगे तो खैर बहुत ही समय चाहिए हमको, और हम जानना चाहते हैं कि शास्त्रीय संगीत को लेकर जो आपकी जर्नी रही है, आपकी जो यात्रा रही है, किस तरह से आपका वायलिन के क्षेत्र में आना हुआ, हम चाहेंगे कि आप उस पर भी प्रकाश डालें। पूर्वा, मेरा जन्म हो गया मध्य प्रदेश में, जो पश्चिम में जो शहर है, छोटा सा कस्बा नीमच, वहाँ पे नीमच में मैंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद मैं संगीत शिक्षक हुआ, और संगीत शिक्षा के सिलसिले में मैं भीलवाड़ा राजस्थान में रहा, फिर वहाँ से मैं पुणे गया, पुणे में रहा, फिर मुंबई गया, पंडित रामनारायण जी जो मेरे गुरु हैं जी, उनसे मैंने सीखने के लिए बहुत प्रयत्न किए और उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया।
उसके बाद वहीं से मैं आकाशवाणी का कलाकार हुआ, और बल्कि यूं कहूं कि पुणे से ही मेरा ऑडिशन हुआ था, और वहां से मैं मुंबई जब ट्रांसफर हो गया तो पहला कार्यक्रम मुंबई से हुआ मेरा। अच्छा, पहला। हाँ। तो उस समय से कितने वर्ष के थे आप? एज रिलेट करना चाहिए, दिस वाज समवेयर इन द ईयर 75। तो उस वक्त मैं 25 साल का रहा हूँ, 51 का जन्म है मेरा, तो 24-25 साल की उम्र में मैंने आकाशवाणी से प्रसारण शुरू किया। उसके बाद यूपीएससी से कुछ चयन होना था यहाँ आकाशवाणी के कला कार्यक्रम अधिकारियों का, तो वो चयन हुआ और मैं इलाहाबाद मेरा पोस्टिंग हुआ। इसके बाद चूंकि कार्यक्रम मेरे ऊपर केंद्रित नहीं है, इसलिए मैं संक्षेप में मेरी उपलब्धियों और उनका प्रसार नहीं करना चाहता। ये जो कार्यक्रम है आज केवल और केवल मध्य प्रदेश से संबंधित और ग्वालियर से, मुझे जैसा आप लोगों ने बताया था, तो मैं अपने बारे में ज्यादा कहना ठीक नहीं समझता सर, लेकिन हमारे जो दर्शक एक बात जरूर है। हाँ। कि मुझे थोड़ा सा पूर्वा ने डिग्रेड कर दिया, मैं ए ग्रेड नहीं टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हूँ जी, और पिछले 2012 में मुझे टॉप ग्रेड डिक्लेयर किया जी 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 जी, तो वो डिग्रेडेशन थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, और सर ने बताया, और जैसा कि सर आपने कहा कि लेकिन वायलिन को लेकर और संगीत को लेकर जो आपकी उपलब्धियां हैं वो हर दर्शक उनको जानना चाहता है, और बिल्कुल जानते हैं कि किस तरह से ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी प्रेरणा ले सके और आगे बढ़ सके और जो है कुछ सीख सके, इसलिए हम चाह रहे थे कि आपकी जो वायलिन को लेकर जो उपलब्धियाँ हैं और जिस तरह से आपने शुरुआत की। वायलिन अब ये तो क्रियात्मक विद्या है, क्रियात्मक कला है जी, मैं बोल के इसके बारे में कुछ आपको बहुत या हमारे दर्शकों को संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा अगर कुछ मेरे क्लिप्स हों यहाँ पे जी, बिल्कुल, जो आप लोगों ने कभी रिकॉर्ड किए थे पहले, तो वो उनके द्वारा ये सिद्ध हो सकता है, क्योंकि मैं ये कहूँ कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ ये गलत नहीं बात सर। आपके आपके कार्यक्रम अक्सर हमारे दूरदर्शन पे आकाशवाणी पे प्रसारित होते रहते हैं और सभी लोग उसका लाभ लेते रहते हैं। गोस्वामी जी सर, हम आपसे बात करना चाहेंगे, जैसा कि हम बात कर रहे थे भारतीय परंपरा को लेकर, तो भारत भूमि की जो विशिष्टता या विशेषताएँ हैं उन पर भी हम चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें। देखिए, भारत भूमि का अपने आप में बड़ा महत्व है। अपने यहाँ ग्रंथों में कहा गया है, मैंने वैदिक साहित्य से बात शुरू की है, वहीं से उल्लेख है कि जितने भी प्रायः अवतार हुए हैं परमात्मा के, वो भारत भूमि में ही हुए हैं। और हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में कहा भी गया है, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, वे प्राणी धन्य हैं, वे मनुष्य धन्य हैं जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया है जी। क्यों? कि भारत भूमि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो कण कण में परमात्मा का अंश देखता है। इसीलिए देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सारे संसार को सिया राम के रूप में उन्होंने देखा है, परब्रह्म परमात्मा कण कण में समाया हुआ है। यहाँ प्रकृति की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है जी। ग्राम देवता है यहाँ पर, बिल्कुल है ना, तो इस प्रकार से वास्तु देवता है, कोई भवन बना है तो उसका भी एक देवता है, स्थान का भी कोई एक देवता कल्पित किया है, जो भी यहाँ हमारे यहाँ सारी जो प्रकृति है उससे जीवंत संबंध स्थापित है, तादात्म्य संबंध स्थापित है, पारिवारिक संबंध स्थापित है। देखिए, वायु पुत्र हनुमान वायु से जन्म हुआ जी, भागीरथी गंगा जी, भीष्म पितामह गंगा पुत्र, तो कहने का तात्पर्य है प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करते हुए
भारत भूमि अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को लेकर के चलती है। अब देखिए एक और बात यदि करें इसी संदर्भ में जी, तो हमारे यहाँ जो इसका काल का जो विभाजन है वो भी बड़ा वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। सबसे पहले अयन के रूप में विभाजित किया, अयन माने 6 माह उत्तरायण और 6 माह दक्षिणायन, दोनों का मिलकर के एक वर्ष होता है, और एक वर्ष में 2 अयन हो गए जी। और अयन के पश्चात आते हैं माह, 12 माह हैं। माह में भी फिर 2 पक्ष हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष जी। और फिर आता है सप्ताह, और सबसे काल की न्यूनतम जो इकाई है वो दिन है, 24 घंटे का। और ये घटी पल में विभाजित है, इनका बड़ा सही बात है, बहुत बहुत ज्यादा जो है जो जी 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 जी। और ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो यहाँ नक्षत्रों के बारे में काफी महत्व है, इसलिए हमारे जी तीज त्योहार सब सूर्य चंद्र की जो बातें की है, ये परमात्मा के 2 नेत्र हैं। देखिए कोई आदमी सोचे कि हमें कोई नहीं देख रहा है और हम ये पाप कर्म कर लें, दुष्कर्म कर लें, ऐसा नहीं है। दिन को भी देखने वाला है और रात को भी देखने वाला सही है। सही बात है, बहुत ही ये तो विस्तृत विषय है। और गोस्वामी जी जी बिल्कुल, इस पे तो जितना भी हम बात करें उतनी कम है जी। कंडारा सर, आपसे जानना चाहूँगी मैं कि जिस तरह से अभी पढ़ाई के साथ साथ भी म्यूज़िक की शुरुआत हो गई है विश्वविद्यालय में, विद्यालय में म्यूज़िक एक सब्जेक्ट हो गया है, डिग्रियां लोग ले रहे हैं, आपके दृष्टिकोण से क्या ये पर्याप्त है कि बस स्कूल में या कॉलेज में हमने डिग्री ले ली, MSc म्यूज़िक या ये कर दिया, या उसके अतिरिक्त भी हमको संगीत का जो ज्ञान है या अलग से विधिवत उसकी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए? देखिए कोई भी विद्या हो या कला हो, उसकी स्टेजेस होती हैं जी। एक स्टेज, जैसे बच्चा पैदा होता है तो पहली स्टेज ये होती है कि अब हॉस्पिटल हो गए, पहले तो घर में ही होते थे बच्चे, और माँ उनकी सबसे पहली गुरु हुआ करती थी। उसके बाद बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाया जाता था, फिर स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी। तो ये जो पायदान होते हैं, इसी तरह से हर कला और हर विषय के पायदान होते हैं। संगीत जो कला है उसमें प्रारंभिक और अंतिम, इसमें बहुत बड़ा एक गैप है। इस दौरान व्यक्ति को कहाँ कहाँ से गुजरना होता है, और संगीत को लेकर मध्य प्रदेश तो बहुत विख्यात रहा है, और मध्य प्रदेश में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े लोग पैदा हुए जी, उस्ताद अलाउद्दीन खां जो मैहर में पैदा हुए, विश्व भर में उनके शिष्य पंडित रविशंकर अकबर खां जी और अन्नपूर्णा जी उनकी बिटिया, ये बड़े लोग थे जो मध्य प्रदेश ने दिए जी, बिल्कुल इस प्रदेश ने दिए जी। ग्वालियर पे आए तो ग्वालियर में शंकर पंडित जी, मतलब बहुत प्राचीन परंपरा में तो स्वामी हरिदास जी थे, तानसेन थे जी, और बेजू बावरा वगैरह वगैरह जी। लेकिन जो अभी जो जितनी जितना इसका इतिहास है संगीत का जी, उसमें शंकर पंडित, कृष्णराव जी, एलके पंडित, फिर इधर वाद्य के जो निष्णात कलाकार थे उस्ताद हाफिज अली खान और अमजद अली खान जी, उनकी परंपरा चली आई है, उनकी परंपरा चली आई जी। फिर देवास में पंडित कुमार गंधर्व जी, फिर इंदौर अपने आप में घराना रहा उस्ताद आमिर खान वगैरह। तो मध्य प्रदेश जो है वो कलाओं की दृष्टि से, कलाओं में केवल संगीत ही एक कला नहीं है जी, वास्तुकला का गढ़ रहा है मध्य प्रदेश। बिल्कुल, और क्यों रहा है उसका एक उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण ये है कि खजुराहो के मंदिर देख लीजिए जी, आंखें खुल जाएगी। बिल्कुल,
सांची जो आपने ये लगा रखा है अपने उस पे जी, बैकड्रॉप में जी, ये प्राचीनतम वास्तुकला का एक नमूना है, नमूना है जी। तो इस हिसाब से बहुत इट हैज बीन वेरी रिच जी। मध्य प्रदेश जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है कलाओं की दृष्टि से। और जहाँ तक ग्वालियर की बात कर रहे हैं तो ग्वालियर तो चूंकि विख्यात है ही अन्य अन्य सारे कारणों से जी 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 बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में कमी नहीं है। हाँ यानी जी बिल्कुल, यानी मतलब हमारे जो विद्यार्थी हैं वो अगर शिक्षा यहाँ लेते हैं म्यूजिक की, लेकिन कहते हैं ना जितना ज्ञान अर्जित करो उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाता है, तो उसके साथ साथ अगर विधिवत आपको आपने एक बात पूछी कि आज के परिप्रेक्ष्य में जी 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 आज चीज़ें बदल गई हैं बहुत जी, और सीखने और सिखाने का जो तरीका है वो भी बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। कलाओं का जो सही शिक्षण है वो स्कूल में नहीं हो सकता जी, ये गुरु और शिष्य परंपरा के माध्यम से ही अधिक संभव होता है। और गुरु शिष्य परंपरा में अब लोगों का कम विश्वास हो गया है जी। अब परिप्रेक्ष्य बदल गया है, लोग कॉलेज जाते हैं वहाँ पे भी सीखते हैं, डिग्री ले लेते हैं। आपने जैसा कहा ना डिग्री, जी जी, डिग्री एक स्टैंडर्डाइजेशन है जी किसी भी चीज़ के लिए कि भाई हाँ इन्होंने बी म्यूज़ किया या बीए किया या एमए किया या हाँ। लेकिन जो बड़े कलाकार हैं वो डिग्री से पैदा नहीं हुए, नहीं पैदा जी। जैसे कुमार गंधर्व जी हैं जी, उनके लिए क्या कहेंगे आप, वो तो बहुत बड़े बहुत मतलब डिग्रियों से डिग्री बांटने वाले लोग हैं जी। तो इसलिए आज थोड़ा सा संगीत का परिप्रेक्ष्य भी बदला है जी। और ठीक है, समय परिवर्तनशील है, इसलिए कोई समय बुरा नहीं है, कोई समय अच्छा नहीं जी, सारे समय अच्छे हैं जी। सही बात है, समय कितना भी परिवर्तित हो जाए, चीज़ें बदल जाएं, लेकिन सीखने की जो लालसा है और आगे बढ़ने की जो लालसा होती है, और व्यक्ति खुद अगर अपने आप से सीखता है और अपने आप में कहते हैं ज्ञान अर्जित करता है, तो वो बड़ी बात होती है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर आपने। गोस्वामी जी, जैसे हम बात कर रहे थे दीपावली की, दीपावली को लेकर कई लोगों के बीच में इस तरह की जिज्ञासा रहती है कि दीपावली जो है, हम दीपा मतलब उस दिन कहते हैं श्री रामचंद्र जी जो है वो लौट कर आए थे अयोध्या, और हम लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, तो क्या दोनों में कनेक्शन है, किस तरह से, वो भी हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को। बहुत अच्छी जिज्ञासा आपने उत्पन्न की पूर्वा जी। और हमारी भारतीय संस्कृति के जो त्यौहार हैं इनका साइंटिफिक कारण तो है ही है, सामाजिक योगदान भी है, सामाजिक उन्नति में, सामाजिक सौहार्द के संवर्धन में भी बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे यहाँ तो उत्सवों प्रिय भारतीय लोग जो हैं वो उत्सव प्रिय होते हैं जी। और प्रायः प्रत्येक दिन नहीं तो प्रत्येक सप्ताह कोई ना कोई उत्सवों की परंपरा रही है जी। उन्हीं में जो हमारे जो भारतीय माह हैं, चैत वैसाख ज्येष्ठ अषाढ़ श्रावण भादों कुंवार कार्तिक, तो कार्तिक का जो माह आता है ये उत्सवों के लिए बड़ा अनोखा है, अनोखा बल्कि है, इसके पहले से ही कुंवार का जो माह होता है आश्विन, वहाँ से नवरात्र से और पितृपक्ष से गणेश चतुर्थी से बल्कि प्रारंभ हो जाता है हाँ। उत्सवों की तो ये परंपरा है। और ये कार्तिक में आते आते पांच दिन का ये पंच पर्व दीपावली मनाया जाता है जी जी जी। पांच दिन अर्थात धनतेरस से शुरू होता है, तो पहले तो हो गया धनतेरस। धनतेरस अर्थात जो आयुर्वेद के जनक हैं, चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं, जो भगवान धन्वंतरी जिनको कहा गया है ना, उनका जन्मदिन माना जाता है जी। बिल्कुल आचार्य जी, हम आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे इसी विषय को लेकर, क्योंकि पांच दिवसीय त्यौहार है अभी इस समय जो है। हमारे ग्वालियर कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह जी हमारे से जुड़ चुके हैं यहाँ, और जैसा कि हमने बताया हम संगीत को लेकर चर्चा कर रहे थे, और ग्वालियर को म्यूजिक सिटी का जो अवार्ड मिला है, तो हम उसी विषय में बात करेंगे। सर नमस्कार।
बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। सर, हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी ग्वालियर के लिए, हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो म्यूजिक सिटी का अवार्ड हमारे ग्वालियर को मिला है, उपलब्धि मिली है, उपाधि मिली है, इस विषय पर हम आपके विचार जानना चाहेंगे। ये जो यूनिवर्सिटी में जब आप आते हैं जी, तो आपका दायरा बहुत विस्तृत हो जाता है जी। यू तो म्यूजिक का बहुत ही समृद्ध परंपरा रही ही है ग्वालियर में, ये सबको पता है, पर उसका जो शोकेस रूम है, उसका जो प्रेजेंटेशन है जी, मुश्किल लेवल बहुत उठ जाता है अगर आप यूनेस्को के लेट पे आ जाते हैं जी। आपका दूसरों से जो इंटरेक्शन का लेवल है वो बिल्कुल बदल जाता है। जो आपका कार्यक्रम होता है उसमें जो दूसरे लोगों के साथ आपके समन्वय होते हैं, उनके जो कार्यक्रम आपके यहाँ होते हैं, आपको जो दूसरी जगह जाने का अवसर मिलता है, एक्सपोजर होता है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आता है जी। और एक और बात समझने की है कि टूरिज्म पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, हमारा सिटी हेरिटेज का सिटी है, कल्चर का सिटी है, तो टूरिज्म के थ्रू जो इम्प्लॉयमेंट जनरेशन सोचते हैं, जो रोजगार का सृजन सोच रहे हैं, उसको बहुत बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जब लोगों का आना होगा, लोगों का जाना होगा, बिल्कुल बहुत सारे चीजें ऑर्गेनाइज होंगी, तो एक इम्प्लॉयमेंट जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा जी। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। और जैसा कि कंडारा सर, अभी सर ने बताया कि म्यूज़िक अवार्ड हम बात कर रहे थे तानसेन की नगरी की, और बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए। हम तानसेन की परंपरा से पहले, जैसा कि आपसे चर्चा में हमें ज्ञात हुआ था कि हरिदास जी थे, उनकी परंपरा चली थी, उस विषय में भी हम चाहेंगे आप प्रकाश डालें। तानसेन के गुरु ही थे जी स्वामी हरिदास जी, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उस काल में, उस जमाने में संगीत जो है वो रोजी रोटी के लिए नहीं किया जाता था जी। आज ये लाइवलीहुड कमाने के लिए एक विषय बन गया है, उस जमाने में एक केवल साधना का विषय था जी संगीत, और साधना में भी इसको करने वाले जो आचार्य लोग थे वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते थे, उनका निर्वाण अच्छे से हो जाए इस जगत से जी, इस बात को ध्यान में रखे तो स्वामी हरिदास जी ने वो एक बिल्कुल भक्त और ईश्वर की भक्ति में लीन व्यक्तित्व था जी, और संगीत उन्होंने माध्यम उस भक्ति का चुना और उसको इतनी ऊंचाइयों तक ले गए कि अपना गायन या संगीत का की साधना करते करते हुए वो उनका ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता था, लीन हो जाते थे भक्ति। लीन हो जाते थे जी। उसके बाद परंपराएं थोड़ी सी बदली, मुगल शासन हुआ जी, अकबर आए, बाबर आए, मतलब जैसा शासन होता है वैसा तब्दीली कलाओं में और अलग अलग विषयों में भी हो जाती है। फिर अंग्रेज आ गए जी, तो कलाओं का जो रूप और स्वरूप है वो शासन से सीधा संबंध रखता है। जैसे अभी जो शासन है उनको ये लगा कि संस्कृति हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। हाँ, राज्य का प्रशय, राज्य प्रशय जी, राज्य भी और देश का भी जी। और अभी हमारे प्रधानमंत्री और इवन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनका कलाओं की तरफ बहुत ध्यान गया है और इन्होंने कलाओं के संवर्धन के लिए जी, अब तो ग्वालियर में यूनिवर्सिटी ही खोली है तो मान सिंह तोमर जी के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो कलाओं की दृष्टि से अब जो संगीत होता है उसका धीरे धीरे वो रूप और स्वरूप अब बदल गया है। अब उस रूप स्वरूप में जिसमें भक्ति मार्ग हुआ करता था वो भक्ति मार्ग नहीं रहा है, अब थोड़ा सा पैसे कमाने की जरूरत। हाँ
अब मटेरियलिस्टिक भौतिकता उसमें ज़्यादा आ गई। बिल्कुल सही बात है, परिवर्तन जो हुआ है वो मतलब संगीत को लेके अब इकोनॉमिकल चीज़ें भी उसमें काफ़ी ऐड हो चुकी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये मन है या मेरा ये मत भी है और विचार भी है कि उसको जो उसका जो प्राचीन रूप है उसको नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे मैं खुद म्यूज़िक टीचर रहा पहले, मेरी जो शुरुआत हुई वो एज ए म्यूज़िक टीचर हुई, तो वो रोज़ी रोटी कमाने की दृष्टि से, लेकिन जब आपका स्तर बढ़ता है तो आपके स्तर में ऊंचाई आनी चाहिए, वैचारिकता आनी चाहिए। तो संगीत में या किसी भी कला में वैचारिकता का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और हम सबको कर्तव्य उसका निर्वहन करना चाहिए। जी गोस्वामी जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे, बीच में हमारा कॉल आ गया था कि हम दिवाली की उस परंपरा को लेकर, उसी को मैं चाहूंगी देखिए पंच पर्व की बात चल रही थी। जी जी जी, दिवाली का जो उत्सव होता है वो एक दिन का नहीं होता है, पांच दिन का होता है, और इसको पंच पर्व दिवाली के नाम से जाना जाता है, और इसकी परंपरा होती है धनतेरस से शुरू। जी जी, धन्वंतरी भगवान के बारे में बताया कि बिल्कुल बिल्कुल वैद्य थे, चिकित्सक, जैसे कि आज भी गोवर्धन। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि धन्वंतरी का जो प्राकट्य हुआ, ये समुद्र में मंथन हुआ, देवताओं और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, तो बाली को जाकर के जो बलि था राजा असुरों का, उसको परामर्श दिया गया कि दोनों मिलकर के रहो, दोनों में सामंजस्य बनाने के लिए समुद्र का मंथन करिए और समुद्र में से धन संपदा निकालिए, रत्न निकालिए, तो अच्छे से आप लोग रहेंगे। तो सहमति बनी और उसमें बहुत सारे रत्न निकले, उन्हीं में से एक रत्न धन्वंतरी भी माने जाते, अमृत भी निकला। अच्छा, अच्छा, तो वो अपने चिकित्सा शास्त्र के जनक, देखिए अब बात वही फिर से आती है वेदों वाली, चिकित्सा शास्त्र का जो सिद्धांत है आयुर्विज्ञान के, वो अथर्ववेद में है, अथर्ववेद जनक है मूल रूप से, और अभी संगीत की बात चल रही थी तो संगीत शास्त्र का जनक है सामवेद, सामभ्यो गीति में वो चाहे ऐसा स्पष्ट कहा गया है। तो इस तरह से ये है, और कहने का एक और अच्छी बात गोस्वामी जी ने जो बताई वो ये है कि धनतेरस को लोग धन की तेरस समझते हैं। वही मैं कहना चाह रहा था कि वो वस्तुतः तो धन्वंतरी जयंती है, और धन संपदा इस अर्थ में है कि समुद्र के मंथन करने से, समुद्र मंथन क्या है, सामूहिक परिश्रम का परिणाम है, और उसमें से निकले रत्न क्या है, परिश्रम से उत्पन्न की गई धन संपदा, श्रमेणोपार्जिता लक्ष्मी, परिश्रम के द्वारा जो उत्पन्न होती है लक्ष्मी वही स्थिर रहती है। इसीलिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री चाणक्य ने कहा है कि अन्यायार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय से अर्जित किया हुआ धन 10-11 साल की उसकी उम्र होती है, लंबी नहीं, और 11वां वर्ष प्रारंभ होता है कि समूल वो नष्ट होना प्रारंभ होता है। अब फिर से आते हैं पंच पर्व की ही बात जी, करते जी, हैं जी। और आता है रूप चौदस जिसको कहते हैं, उसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। वस्तुतः है क्या कि भूमि का पुत्र था नरकासुर। अच्छा। श्रीमद् भागवत पुराण में और महाभारत में या अन्य पुराणों में भी कथाएं आती हैं, भूमि का पुत्र था भौमासुर, उसी को नरकासुर भी कहा गया है। कहा जाता वह रूपसियों पर, माने कुंवारी सुंदरी कन्याओं पर इतना रीझ जाता था, इतना पागल हो जाता था कि उनको ला करके और अपने कैद खाने में इकट्ठा कर लिया, बंदी बना लिया, और उसने 16,100 लड़कियों को कारागार में डाल दिया और कहा कि मैं इकट्ठा इनके साथ में जब और ज्यादा हो जाएंगी 2100 या और ज्यादा, तब मैं इकट्ठा विवाह करूंगा। तो उनका उद्धार, मैं संक्षेप में आगे बढ़ रहा हूँ, जी जी बिल्कुल, उनका उद्धार क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किया, और भगवान कृष्ण को जो कहते हैं ना 16,108 रानियां नहीं, वो वस्तुतः उन्होंने अपने स्वामी पति का अर्थ एक स्वामी भी होता, स्वामी के रूप में, संरक्षक के रूप में भगवान कृष्ण को उन्होंने स्वीकार कर लिया था, उनका उद्धार किया था, इसलिए वो 16,108। उसके बाद में आता है दीपावली का पर्व, अमावस्या को होती है दीपावली,
अब दीपावली भी जो होती है लक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा तो है ही है इसमें समुद्र मंथन में, साथ ही साथ हमारी लोक परंपराएं सामाजिक विधि विधान भी जुड़ गया। भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या को वापस आए तो लोगों में खुशियां हुई। खुशी क्या है? तो उन्होंने दिए जलाए। देखिए प्रकाश क्या है? प्रकाश हर्ष प्रदायक है, प्रसन्नता की अभिव्यक्ति होती है, प्रकाश ज्ञान का दाता है, इसीलिए कहा तमसो मा ज्योतिर्गमय। इसलिए लोगों ने दिया जलाई, दिया जलाए, साज सज्जाएं की और बहुत हर्ष आमोद प्रमोद मनाया श्री राम जी के अयोध्या लौटने पर। इसके पश्चात आता है अन्नकूट महोत्सव, प्रतिपदा को अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट क्या है? वस्तुतः अन्न का कूट माने ढेर, ढेर लगाना। तो देखिए भगवान कृष्ण का से संबंध में फिर यहाँ एक कथा जुड़ रही है। भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा को बंद करके और गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई। गोवर्धन पर्वत क्या है? पहाड़ और वृक्षों की पूजा करना, अर्थात पर्यावरण को संरक्षित करना। पर्यावरण जब सुरक्षित रहेगा वर्षा अपने आप होगी, किसी इंद्र के पूजा करने की जरूरत नहीं है जी। और जब वर्षा अच्छी होगी तो अनाज अपने आप उत्पन्न होगा। ये ज्ञान भगवान कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को दिया जी। और अन्नकूट यानी अन्न का 56 भोग का जो है ढेर के ढेर लगा करके और प्रकृति को समर्पित किए जी। जी बिल्कुल। और इस प्रकार से ये अन्नकूट की आज की परंपरा है जी। तो आज अन्नकूट का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है आचार्य जी। जी आज अन्नकूट का पर्व मनाया जा रहा है। इस अन्नकूट के पर्व में सबसे बड़ी बात यह है कि ये सामूहिक रूप से किया हुआ पर्यावरण संरक्षण का प्रयास है और सामूहिक समृद्धि के लिए जी। अन्न देखिए होता है तो ऐसा नहीं किसी किसान के घर में 100 बोरे अनाज हो गया तो वो स्वयं ही उसका उपभोग करे, वो सारे समाज को देता है। सही बात तो है। कहने का तात्पर्य यह है जब हमारी प्रकृति ठीक रहेगी तभी हमारा अन्न धन धान के भंडार भरे रहेंगे और उसके लिए परब्रह्म मान करके प्रकृति की पूजा करना है। भगवान कृष्ण ने ये संदेश विशेष रूप से दिया है जी। बिल्कुल। उसके पश्चात तो, जी जी बिल्कुल सही बातें कही आपने। जैसा कि गोस्वामी जी ने बताया कि किस तरह से जो है हमारी परंपराएं और संगीत की भी आपने चर्चा की। सर संगीत का एक आध्यात्मिक महत्व भी है और हम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए भी संगीत का उपयोग करते हैं, आरती हैं, और जिस तरह से आध्यात्मिक रूप में भी जब हम संगीत से जुड़ते हैं उस विषय पर भी मैं चाहूँगी कि आप प्रकाश डालें कि आध्यात्मिकता का और हमारे शास्त्रीय संगीत का और ईश्वर से जो लौ लगती है सा क्या संगम है। जैसा कि मैंने अभी बताया ही था जी कि संगीत एक माध्यम है भक्ति का, आराधना का और साधना का जी। वो कभी रोजी रोटी का माध्यम नहीं था जी। आज रोजी रोटी का माध्यम हो गया है, ये थोड़ा सा परिवर्तन है। दुख सही बात है जी। होता है इसलिए कि जो एक ऊंचा स्थान था इसका जी वो घट के थोड़ा सा कम हो गया। आध्यात्मिकता में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मतलब आध्यात्मिक होना अपने आप में एक बहुत कठिन विषय है, उसमें आपका खान पान, सोच विचार, शिक्षा पद्धति, जैसे गोस्वामी जी ने बहुत विस्तार से बताया कि सामवेद जो जिसमें संगीत का उल्लेख है जी, और दूसरे वेद जो हमारे हैं ऋग्वेद, अथर्ववेद, और तो ये वैदिक परंपरा से निकली हुई कलाएं, विद्याएं हैं जी। आज साइंस विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है। हम किसी चीज़ को रिडिकुल नहीं करते हैं, किसी चीज़ को कमतर नहीं आंकते, लेकिन उसके साथ साथ उससे उसकी जो धरोहर है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। और उसको समझने की कोशिश में मैं ये कहना चाहता हूँ कि संगीत जैसा कि आध्यात्मिकता और ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम रहा है जी। बिल्कुल। ईश्वर प्राप्ति का जी,
उस रूप स्वरूप को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है जी जी जी। आर्ट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट जी, यू कैन जस्ट से के मनोरंजन का एक विषय भी है, लेकिन मनोरंजन से उठकर उसकी जो मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रकृति है जी जी, वह आध्यात्मिकता की प्रकृति है। आध्यात्मिकता की जी, और आध्यात्मिकता उसमें जब जुड़ जाएगी तो उसमें असर दुगुना चौगुना हो जाएगा। ऐसा कहते हैं ना, किंवदंतियां भी हैं जी, कि जब तानसेन गाते थे तो बारिश हो जाती थी जी, दीपक जल जाते थे जी जी, पशु पक्षी आके उनके सामने बैठ जाते थे। देखिए प्रभाव है कि जिस तरह से, देखिए किस तरह से लीन रहते थे वो, कि जो चाहते थे वो। तो उसका मुख्य कारण ये था कि उसमें आध्यात्मिकता का जो प्रवेश था, उस आध्यात्मिकता का पुट था वो बहुत ज्यादा था जी। धीरे धीरे उसका रूप स्वरूप बदला और आज एंटरटेनमेंट में तब्दील हो गया वो जी। आधुनिकता के युग में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। एंटरटेनमेंट इज आल्सो नॉट बैड, आई डोंट थिंक, एंटरटेनमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। मनोरंजन जो है वो जिंदगी का एक हिस्सा है आज जिस परिप्रेक्ष्य में, लेकिन हमारी जो मौलिक विषय जो हैं जी, उनकी जो भावना है और उसके पीछे जो, उसके पीछे जो रहस्य छिपा हुआ है उसको नहीं भूलना चाहिए जी। तो आज के लोगों से मेरा, आज जो जितने भी संगीत के विद्यार्थी हैं या साधक भी हैं, मैं उनसे यही निवेदन कर सकता हूँ कि वो संगीत को की आध्यात्मिकता को समझें पहले। बिल्कुल सही कहा आपने कि उसकी स्पिरिचुअलिटी क्या है जी, और उसके बाद आगे बढ़े, मनोरंजन पे भी आए ठीक है, लेकिन उसका मूल भाव है, मूल भाव, उससे कहीं भटके ना और उसको समझने की कोशिश करें। बहुत ही बढ़िया जानकारी कंडारा सर। गोस्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम बात कर रहे थे और अनुकूल तक हम आगे थे, और कल जो है गोवर्धन जो है, कल है या परसों, आप ही इसको विस्तार से बता सकते हैं, क्योंकि तिथियों को लेके बड़ा, तिथियों को लेके अपने यहाँ कालगणना ज्योतिष के आधार पर जो तिथि निर्धारित होती है उसके हिसाब से क्या है अमावस्या को, चूंकि आज भी हमने अब जब पंचांग बताया तो अमावस्या तिथि और कल भी दीपावली अमावस्या पे जी। तो दीपावली जो होती है वो रात्रि का उत्सव होता है जी जी जी। तो रात्रि में चूंकि अमावस्या थी इसलिए कल दिवाली मनाई गई, और अभी सूर्योदय के कुछ देर बाद में, कुछ देर तक रहेगी, उसके बाद में वो 10-11 बजे से फिर प्रतिपदा लग जाएगी, अन्नकूट लग जाएगा, इसलिए प्रतिपदा को अन्नकूट का आयोजन होता है। अब उसी क्रम में हम बात करेंगे जो द्वितीया की, ये 4 दिन तो ही हो गए, अब पांचवा दिवस है भ्रातृ द्वितीया, जिसको यम द्वितीया भी कहते हैं, भाई दोष भी कहते हैं। इसके पीछे भी एक कथा है पौराणिक। देखिए, यमुना जी सूर्य की पुत्री हैं और यमराज उनके पुत्र हैं, किसके, सूर्य के, सूर्य के। तो यमराज और यमुना दोनों भाई बहन हो गए जी। तो ऐसा वरदान उन्होंने, यमुना जी ने अपने भाई से मांग लिया था कि जो मेरी उपासना करेगा, जो मैं जल के रूप में प्रवाहित हो रही हूँ, जो आज के दिन मुझ में स्नान करेगा, उसको यम बाधा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये यम द्वितीया का बड़ा महत्व है। कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ भाई और बहन के स्नेहात्मक संबंध का द्योतक है, और भाई के लिए बहनें रक्षा सूत्र बांधती हैं, आज के दिन भी बांधती हैं, धागा बांधती हैं जी जी जी, और भाई भी बहनों की रक्षा के लिए समर्पित रहता है, किसी प्रकार की बाधा, किसी प्रकार का संकट ना आए बहन के संबंध में, और बहन से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो निर्विघ्न संपादित हों, इसके लिए ये यम द्वितीया भाई दोष का बड़ा महत्व है जी जी। अभी आचार्य जी हमारे साथ, ममता जी हैं भोपाल से। अच्छा। जो हेलो हेलो जी, स्वागत है ममता जी आपका जी, पूछिए थैंक यू जी। मैं
आप टीवी की वॉल्यूम कम कर लीजिए ताकि हम आपको सही से सुन सकते हैं फिर जी बोलिए। मैं आचार्य जी से ये जानना चाह रही थी कि जो मैं जानना चाह रही थी आचार्य जी से, सबसे पहले तो नमस्कार, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, आपको भी जी। और ये जानना चाह रही थी अष्टलक्ष्मियों के नाम कौन कौन से हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपने सामयिक प्रश्न किया है और लक्ष्मी पूजन से संबंधित प्रश्न किया है। आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और ममता जी सुनिए आप अपना उत्तर। हमारे यहाँ हनुमान जी के पास में अष्ट सिद्धियाँ थीं और नौ निधियाँ थीं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अब अष्ट सिद्धियों के नाम हमारे यहाँ शास्त्रों में जो मिलते हैं वो इस प्रकार से कहा गया है, अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्यमीशत्वम वसित्वम चाष्ट सिद्धया। अर्थात पहली अणिमा, फिर महिमा, फिर लघिमा, फिर गरिमा, प्राप्ति प्राकाम्य ईशत्व और वसित्व, ये आठ सिद्धियाँ कही गई हैं। ये आठ सिद्धियाँ अणिमा से तात्पर्य है अणु के समान जी। मशक समान रूप कपि धरी, लंकई चले सुमिर नर हरी, बिल्कुल छोटे से हो जाना। और महिमा, महान से महान बन जाना, अणो रणियान महतो महियान, महान से महान। और लघिमा एकदम अत्यंत लघु, और गरिमा गरिमा मैं अपने आप को बना लेना। और प्राप्ति यानी जो भी प्राप्त करने की इच्छा हो उसको प्राप्त करके ही रहते थे हनुमान जी, प्राप्त कर लेना। और प्राकाम्य कामना, कामना की प्रकट करना। और ईशत्व स्वामी, स्वामीपन का भाव होना, ईश बन जाना। और इस प्रकार से और वसित्व और सभी सब के लिए अपने वश में कर लेना, ये अष्ट सिद्धियों का प्रभाव था। ममता जी आपको बिल्कुल अपना आंसर मिल गया है और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। कंडारा सर हम चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे आपसे कि जो हमारे विद्यार्थी हैं है ना, उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता कि किस तरह से उस संगीत के क्षेत्र में जाए और आगे अपना उसमें भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर उनको सीखना है विधिवत तो वो ले सकते हैं, किस तरह से आगे जा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप उस हमारे विद्यार्थियों को बताएं कि किस तरह से जो है वो अपने भविष्य का निर्माण संगीत के क्षेत्र में कर सकते हैं। देखिए मुश्किल सवाल है पर मैं इसका सरल उत्तर दे देता हूँ जी, कि एक तो जिस व्यक्ति को कुछ बनना हो या मान लीजिए संगीतज्ञ ही बनना हो, जैसे गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान हैं, तो संस्कृत ऐसी भाषा है कि प्राचीनतम भाषा होने के साथ साथ उसके ऊपर किताबें वगैरह मिलना मुश्किल होती है। पर इन्होंने जो कुछ लगन रही होगी तो लोगों से मिले होंगे और अपने यहाँ ज्ञान वर्धन किया। इसी तरह से मैंने भी संगीत सीखने के लिए स्कूल का सहारा नहीं लिया जी, क्योंकि स्कूल था ही नहीं उस जमाने में, संगीत का स्कूल नहीं था जी, जी। तो सबसे पहला तो ये है कि जिज्ञासा व्यक्ति की ऐसी होनी चाहिए जो खुद ब खुद मार्ग प्रशस्त करे, उसके अंदर उत्साह ऐसा होना चाहिए कि मुझे ये बनना है। मुझे क्या बनना है, स्वामी हरिदास जी का शिष्य बनना है जी, बिल्कुल, या मुझे रविशंकर बनना है, या मुझे कुमार गंधर्व बनना है, सही है। तो ये एक जिज्ञासा और उत्साह उसके अंदर होना चाहिए। दूसरा ये है कि गुरु जिसको भी चयन करे जी, वो अच्छे से परखा हुआ व्यक्ति हो जी, क्योंकि अच्छा गुरु मिलना भी बड़े सही बात है, सही कहा आपने। और अगर हमें सीखने की लगन है और कुछ कर दिखाने की इच्छा है तो हम एकलव बनकर कहीं ना कहीं अपने द्रोणाचार्य को ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल बड़ा उदाहरण है एकलव्य का जी। और अब ये अब देखिए विषय तो ये ऐसा है कि जिस पर हम जितनी चर्चा करें
उतना ही कम है, क्योंकि दो महान विभूतियाँ हमारे बीच उपस्थित हैं और विषय भी बहुत ही अनंत है, लेकिन इस समय समय का इशारा हमें बोल रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। दीपावली की बहुत शुभकामनाएं सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार जी, नमस्ते।